नाश कर चुका है। और जिन लोगों ने वो यूरिया का कारखाना बनाया था, ये जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग थे जिन्होंने केमिकल तैयार किया था, वो उस केमिकल को इस्तेमाल करके उसके दुष्प्रभाव भुगत के आज वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मोड में आ गए। लेकिन अपना जो भारत है, अपने भारत का किसान, वो अब उसमें ऐसा झगड़ा हुआ है कि वो बाजार आधारित, पूरी तरह से बाजार आधारित, जो हम बात कर रहे थे कि किसान को एक आदत बन गई, कट्टा लाना मुट्ठी से फेंक देना और डिबिया लानी जहर की स्प्रे से फेंक देनी, एक व्यवस्था बन चुकी है। और उसके बाद में चिंतन, अगर जगाओ तो एक जाग रहा है, तो हमारी गति तो वैसे भी धीमी है, लेकिन बावजूद उसके अब जैसे विराट जी का परिचय है, विराट जी आईटी के सेक्टर के आदमी है, हमारे साथ जुड़े हुए, अब ये हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारी संस्था के माध्यम से कि और इसका प्रचार प्रसार हमारे शरीर के कितने फायदेमंद है। ये तमाम इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये मैक्स और क्या क्या है, वहां जो है हम लाखों रुपया जो है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, यहाँ तक नहीं। और जितना उत्पाद आपके पास, ये मैं कहता हूँ दो दिन का भी नहीं है। हाँ, अगर ये कुछ नहीं है, पूरा देहरादून समझ जाए कि ये हमारे लिए कितने फायदेमंद है, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, तो ये कुछ भी नहीं है। अरबों रुपए का खेल है जिसमें गवर्नमेंट चाह करके भी अभी एकदम से बंद नहीं कर सकती, इतना बड़ा खेल हो चुका है जितना हमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं। और नीचे किसान को क्या है, लंबे समय में उसे आदत पड़ गई है अपनी उपज लेने की, उसे पता है कि मैंने अपने इसमें दो तीन पीढ़ियों से जितना केमिकल डाल दिया है, अब अगर मैं इसे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करूंगा तो ये बंजर खेती मुझे दे नहीं पाएगी कुछ, तो उस डर के कारण वो ऑर्गेनिक में नहीं आ पा रहा है, मजबूरी बन गई है। और उसे ये फैक्ट भी है, अगर उसने केमिकल नहीं डाला तो अगर वो फसल लेने की कोशिश करेगा तो वो दे नहीं पाएगी फसल जमीन उसे, पर इसमें नहीं होना निश्चित है। तो इसलिए जो है सरकार भी भाई साहब काफी कुछ कर रही है, जैसे अभी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चल रहा है, भाई सबको पता होगा, उसमें काफी कुछ गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है, पर साथ में क्या है, गवर्नमेंट की जो वर्किंग है वो अभी आपने बोला ना सप्लाई चेन, यहाँ पे कम्युनिकेशन ब्रेक है, किसान के पास में वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं आ रहा कि वो कैसे करे। किसान मैं दोषी नहीं मानता किसान को, क्योंकि किसान की रोजी रोटी वहीं से जुड़ी हुई है, जन को ही आप औषधि मानो, ऐसे ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग सुधर जाएगी तो आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई डॉक्टरों को क्यों पूछना है आपको, आप एक बार डॉक्टर के पास जाते हो अपनी पिछली 15 साल की कमाई खो देते हो, 10-12 साल की। चलो आज अपना सहयोग मिलता है अपने नकरोंदा में, अपने खेत में तरीके से भाई साहब का काम नकरोंदा में, आप दीदी कुलदीप कौर हैं, सरदार इंद्र जी अपने हाथ से करती हैं, गाय का दुहान से लेके सारा गौशाला के जितने काम है अपने आप स्वयं से। सम्रांत शिक्षक सुशिक्षित भी हैं और वो पेइंग कैपेसिटी वाले भी आते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि परमार्थ आश्रम को अगर हम अप्रोच करें स्वामी चिदानंद जी को और उनको बोलें कि आप जो है आपके नज़दीक क्षेत्र है इसको आप मानिए कि हम इसको जो है शुद्ध सात्विक हो, तो आप वहाँ पर अपनी किचन में जितना भी पूरे दिन के खाना बनता है। खेती आसान नहीं है, खेती तो हमें रोज पेड़ पौधे को देखना है, इसे क्या चाहिए, इसमें क्या दवाई डालनी, क्या खाद डालना, कैसे पानी देना है, तो हमें ध्यान करेंगे तभी बढ़ेगा। तो खेती तो हम तो रोजाना सीखते भी हैं, बिल्कुल, मतलब जो वो इंटरेस्ट है कि भाई जमीन बेच देना सबसे बड़ा गलती इनसे आइडियली कहना बहुत। अपनी दुकान देखे हैं वहाँ संडे को, क्या बोला है